बात करते हैं राजस्थान की, जहां शराब की शुद्धता बनाए रखने के लिए सरकार ने सितंबर से नई व्यवस्था शुरू करने का निर्णय किया है। सरकार ने बियर और शराब की बोतलों पर QR कोड विथ होलोग्राम ट्रेक लगाकर उसे बेचने का फैसला किया है। इसके लिए शराब निर्माता कंपनियों को 16 अगस्त से राजस्थान स्टेट बेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड के डिपो पर केवल QR कोड विद होलोग्राम लगी शराब बियर की ही सप्लाई देने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल अभी भी राज्य में कई शहरों में गाँव में मिलावटी और दूसरे राज्यों से बनकर आ रही सस्ती शराब को बेचा जा रहा है। इसको न केवल राज्य सरकार को रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, बल्कि मिलावटी शराब लोगों को बेची जा रही है। इसे देखते हुए सरकार ने हर शराब की बोतल पर होलोग्राम और QR कोड लगाने का फैसला किया है। आबकारी विभाग से जारी आदेशों के मुताबिक RSBCL के डिबो पर 16 अगस्त से केवल वही शराब बियर ली जाएंगी जिस पर होलोग्राम लगा होगा। वहीं RSBCL डिपो पर रखे पुराने स्टॉक को 15 सितंबर तक खत्म किया जाएगा, यानी 16 सितंबर से RSBCL के डिपो से केवल होलोग्राम लगी बोतल ही रिटेल आउटलेट्स पर सप्लाई की जाएंगी। शराब की बॉटलिंग प्लांट से निकलने वाली हर बोतल पर सिक्योरिटी होलोग्राम और शराब के बॉक्स पर बारकोड होगा। शराब सरकारी डिपो पर भेजने से पहले प्लांट से बारकोड रीड करके भेजा जाएगा। गोदाम में पहुंचने के बाद शराब की पेटियों के बारकोड को दोबारा स्कैन किया जाएगा, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि शराब को सही डिपो पर पहुंचाया गया है। इन्हीं पेटियों को जब रिटेल शॉप पर भिजवाया जाएगा, तब भी बिल्डिंग के दौरान इनके बैच नंबर को अंकित किया जाएगा, ताकि ये पता चल सके कि कौन सी शराब की पेटी या बोतल किस रिटेल स्टोर या दुकान पर गई है। शराब के रिटेल विक्रेताओं को बारकोड पढ़ने और बिल बनाने के लिए POS मशीन या लेबल रीडर मशीन दी जाएगी। इस मशीन के जरिए रिटेल हर बोतल पर लगे QR कोड या बारकोड को स्कैन करने के बाद बिल जनरेट कर सकेगा। इस बॉटलिंग प्लांट से लेकर शराब बिकने तक एक सिस्टम के जरिए उसे ट्रैक एंड ट्रेस किया जा सकेगा। सबसे बड़ा इसका उद्देश्य यही है कि जो अवैध शराब है, मिलावटी शराब है, निम्न गुणवत्ता वाली शराब है, हथकड़ है और अन्य राज्यों की शराब है, ये शराब की रोकथाम इससे काफ़ी हो जाएगी। और जो मदिरा का जो सेवन है वो एक नियंत्रण पूर्वक रहे।